नमस्कार दो, बायोलॉजी के इस खास डिस्कशन में यश के B2H पर आपका स्वागत है। आई एम संजीत। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। अभी तक हमने ब्लड के बारे में डिस्कशन किया, इसमें ब्लड क्या होता है, वह विभिन्न तरीके की जो प्लाज्मा प्रोटीन से पाई जाती हैं उनके बारे में जाने। आज हम जो ब्लड में पाई जाने वाली ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, रक्त कणिकाएँ जैसे RBCs, WBCs, वह इनसे रिलेटेड जो भी डिजीज हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। रक्त में रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। ये कणिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक RBC होती है व WBC होती है। तो हम इसमें जानेंगे RBC के बारे में। RBC क्या होती है, इससे कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। RBC इसे इराइथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या फिर इसको दूसरे नाम तो इराइथ्रोसाइट के नाम से भी इसे जानते हैं। और मनुष्य के शरीर में इनकी जो संख्या होती है वो 54 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब अथवा 54 लाख प्रति डेसिलीटर होती है। और जो इनकी औसत आयु होती है वो 120 दिन होती है। इनकी औसत आयु 120 दिन होती है, यानी 120 दिन मतलब 4 मंथ। इनकी जो लंबाई होती है 7 से 8 माइक्रॉन, 7 से 8 माइक्रॉन तक ये लंबी होती हैं। वह 2 से 3 माइक्रॉन ये क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। 2 से 3 माइक्रॉन तक इनकी चौड़ाई होती है। और अपनी आकृति में ये उभयतल या बाइकॉनकेव होती है। उभयतल ये जो साइज हुआ, तो इस तरीके की आकृति को क्या कहते हैं, उभयतल। तो हम देखें कि जो RBC हैं मनुष्य के शरीर में 54 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब या फिर 54 लाख प्रति डेसीलीटर होती है। और इनकी औसत आयु 120 दिन और जो इनकी लंबाई होती है, तो लंबाई 7 से 8 माइक्रॉन तक ये लंबे व 2 से 3 माइक्रॉन तक ये चौड़े हो सकते हैं। और ये इनकी जो आकृति होती है, तो ये आकृति के आकार के रूप में बाइकॉनकेव होती हैं अथवा उभयतल होती हैं। RBC जो कशेरुक वर्ग के प्राणी होते हैं, कशेरुक वर्ग क्या होते हैं, जिन प्राणियों के रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कशेरुक दंड मौजूद होता है, उन्हें क्या कहते हैं, कशेरुकी। कशेरुकी और अकशेरुकी, कशेरुकी जंत उन्हें कहते हैं जिनके रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, अकशेरुकी जो जिनके रीढ़ विहीन हड्डी होती है, अर्थात जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उन्हें अकशेरुकी कहते हैं। तो कशेरुक वर्ग के प्राणियों की विशेषता है
आरबीसी का पाया जाना, यानी जितने भी कशेरुक वर्ग के प्राणी हैं उनमें आरबीसी पाई जाती है। जैसे जितना मत्स्य वर्ग आता है, उभयचर, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस जो पक्षी वर्ग होता है, और स्तनधारी। तो ये जो कशेरुक वर्ग के प्राणी होते हैं इनमें आरबीसी मुख्य रूप से पाई जाती है, इनकी एक विशेषता होती है। स्तनधारी जगत के प्राणियों की जो आरबीसी होती है, जो स्तनधारी जगत के जो प्राणी होते हैं उनकी आरबीसी सबसे छोटे आकार की पाई जाती है। इसमें भी अगर स्तनधारी जो जगत के प्राणी हैं इनमें सबसे छोटे आकार की तो पाई जाती है आरबीसी, लेकिन अगर इनमें भी बात करें तो जो कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग यानी कि जो मस्क डियर होता है, मस्क डियर, तो मस्क डियर की आकृति सबसे छोटे आकार की होती है। यह क्वेश्चन पुटअप हो, किस जगत के प्राणियों में स्तनधारी के सबसे छोटे आकार की होती है? तो स्तनधारी जगत की है। लेकिन अगर पूछे किस एनिमल में जो आरबीसी है सबसे छोटे आकार की पाई जाती है, तो मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग जो है उसमें सबसे छोटे आकार की आरबीसी पाई जाती है। स्तनधारी में जो आरबीसी पाई जाती है, जो भी स्तनधारी हैं उनमें जो आरबीसी पाई जाती है वो उभयतल, जो हम बात किए हैं ना उभयतल, उभयतल, तो स्तनधारियों में पाई जाने वाली आरबीसी उभयतल अथवा बाइकॉन्कोर भी होती है। लेकिन हाँ यहीं पर एक एक्सेप्शन भी है, जो ऊंट एवं लामा होते हैं ये एक्सेप्शन है यानी अपवाद है। इनकी जो आरबीसी होती है यानी आरबीसी का आकार होता है वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स अर्थात उत्तल होता है। आरबीसी में केंद्रक अथवा माइटोकांड्रिया का अभाव हो जाता है। जब परिपक्व अवस्था में आरबीसी होती है उस दौरान आरबीसी में केंद्रक अथवा माइटोकांड्रिया का अभाव हो जाता है, अभाव हो जाता है। आखिर आरबीसी में केंद्रक अथवा माइटोकांड्रिया क्यों नहीं पाया जाता? अगर आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी यानी जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं ये ऑक्सीजन को कोशिकाओं को प्रोवाइड कराता है, मेन काम क्या है? आरबीसी के थ्रू ऑक्सीजन कोशिकाओं को मिल जाती है। तो आरबीसी में केंद्रक अथवा माइटोकांड्रिया का अभाव इसलिए होता है जिससे ओटू की समस्त मात्रा, ओटू कहाँ, ये जो ब्लड से ब्लड में ऑक्सीजन मिली होती है और यही ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा यानी जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के थ्रू शरीर के संपूर्ण पार्ट में आरबीसी के द्वारा ले जाया जाता है। तो ओटू की समस्त मात्रा अन्य कोशिकाओं को उपलब्ध हो जाए, यदि आरबीसी में केंद्रक या माइटोकांड्रिया हो तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में ये ऑक्सीजन का खुद उपयोग कर लेंगी, ऐसे में जो अन्य कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी,
इसीलिए जो परिपक्व आरबीसी होती है तो उसमें केंद्रक अथवा माइटोकांड्रिया का अभाव होता है। नेक्स्ट, आरबीसी अपनी ऊर्जा, आरबीसी क्या करती हैं कि अपनी ऊर्जा केवल ग्लूकोज से प्राप्त करती हैं। ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आरबीसी एंजाइम के प्रयोग पर निर्भर है, O2 के नहीं। कैसे? आरबीसी अपनी ऊर्जा केवल ग्लूकोज से प्राप्त करती है। ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी एंजाइम के प्रयोग पर नहीं निर्भर है। और ये, सॉरी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एंजाइम के प्रयोग पर निर्भर होती हैं, O2 के प्रयोग पर नहीं होती हैं। हम ऊपर चर्चा किए कि यदि आरबीसी में माइटोकांडिया व केंद्रक पाया जाता तो ऐसे में माइटोकांडिया और केंद्रक को O2 की आवश्यकता होती, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती। इसलिए ये ऑक्सीजन जो ब्लड के थ्रू जो समान कोशिकाएं हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए लाई जाती, तो आरबीसी की के जो केंद्रक हैं वो खुद ही O2 का प्रयोग कर लेती, यूज कर लेती, जिससे जो समान कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो आरबीसी क्या करती हैं कि इनको भी एनर्जी की जरूरत होती है, यानी इनको भी ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसे में ये ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करती हैं, ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। और ग्लूकोज से ऊर्जा कब प्राप्त करती हैं? जब ये एंजाइम की सहायता ले लेती हैं। इसलिए ये O2 के प्रयोग पर निर्भर नहीं होती। हाँ, याद रखना कि ओनली सिर्फ आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, स्पर्म, शुक्राणु, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? कोशिका है जो संवेदनाओं को उत्पन्न करती है। तो आरबीसी, स्पर्म यानी शुक्राणु और न्यूरॉन्स, ये जो कोशिकाएं हैं ये सिर्फ ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करती हैं और किसी भी यानी O2 से ऊर्जा प्राप्त नहीं करती हैं। ये ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एंजाइम का प्रयोग करते हुए एनर्जी प्राप्त कर लेती हैं। बाकी शरीर की जो अन्य कोशिकाएं हैं वो O2 के प्रयोग पर निर्भर होती हैं। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है। और ऑक्सीजन के परिवहन में आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? आरबीसी O2 का परिवहन करती है और परिवहन में आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण ब्लड का जो रंग होता है, कलर्स होता है, वो रेड दिखाई देता है। आखिर ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, आगे अभी हम चर्चा करेंगे। तो O2 के परिवहन में जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स है इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण ब्लड रेड दिखाई देता है यानी लाल दिखाई देता है, योगदान करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? आखिर हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक क्रोमोप्रोटीन है। इसके दो भाग होते हैं। हीमोग्लोबिन एक क्रोमोप्रोटीन है और इसके दो भाग होते हैं। एक हीम होता है यानी एक हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन।
तो आरबीसी में एक जो ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक क्रोमोप्रोटीन है, क्रोमोमिस्कलर प्रोटीन जानते ही हैं, क्रोमोप्रोटीन है। और इस क्रोमोप्रोटीन के दो भाग होते हैं, एक पहला हीम, दूसरा ग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन, जिसमें जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है तथा हीम का निर्माण। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है और जो हीम है, हीम का निर्माण पोरफेरिन एवं आयरन के संयुक्त होने से होता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन एक प्रोटीन है। अब हम देखेंगे कि जो हीम है ये क्या है और किस तरीके से हीम का निर्माण होता है। तो हीम जो है पोरफेरिन, पोरफेरिन प्लस आयरन, जो हीमोग्लोबिन का हीम वाला भाग है, हीम का निर्माण पोरफेरिन एवं आयरन के संयुक्त होने से होता है। जब ये दोनों संयुक्त हो जाते हैं तब क्या बन जाता है? हीम बन जाता है। और हीम प्लस ग्लोबिन यानी हीम में जब एक जो ग्लोबिन प्रोटीन है संयुक्त हो जाती है तब हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। आखिर ये पोरफेरिन क्या है? आखिर ये पोरफेरिन क्या है? पोरफेरिन एक आर्गेनिक यौगिक है। पोरफेरिन क्या है? पोरफेरिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, CO2, जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। पोरफेरिन एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयुक्त होने से बनती है। और ये जो होती है एक झंडे नुमा संरचना होती है इसकी, एक झंडे नुमा इसकी संरचना होती है जिसमें भारी परमाणु के साथ संयुक्त होने की टेंडेंसी पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए पोरफेरिन एवं आयरन संयुक्त होते हैं। हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होगा? पोरफेरिन प्लस आयरन जब संयुक्त होता है तब हीमोग्लोबिन बनता है। इसी कारण जो ब्लड है, मनुष्य का ब्लड, वो कैसा दिखाई देता है? लाल कलर का दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछे हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनी होती है? पोरफेरिन प्लस आयरन। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए पोरफेरिन एवं आयरन संयुक्त होते हैं। लेकिन हाँ, अब क्लोरोफिल जैसे जिसमें पत्तियों, पेड़ की पत्तियां हैं, उनका रंग हरा दिखाई देता है। तो जब पोरफेरिन एवं मैग्नीशियम संयुक्त हो जाते हैं, पोरफेरिन प्लस जब मैग्नीशियम संयुक्त हो जाते हैं तब क्या बनता है? क्लोरोफिल का निर्माण हो जाता है। क्लोरोफिल कैसा होता? हरा दिखाई देता है। कुछ विशेष प्रकार के जो जीव होते हैं जैसे केकड़ा हुआ, तो कुछ विशेष प्रकार के केकड़ों में पोरफेरिन के साथ यानी पोरफेरिन के साथ कॉपर संयुक्त हो जाता है। जब पोरफेरिन के साथ कॉपर संयुक्त होता है तो इस प्रकार हीमोसाइनिन का निर्माण हो जाता है। पोरफेरिन प्लस कॉपर के संयुक्त होने से हीमोसाइनिन का निर्माण होता है। और ये जो हीमोसाइनिन है, हीमोसाइनिन का रंग नीला दिखाई देता। यानी अब ये जो केकड़े हैं, इसी कारण केकड़ों का रंग जो है नीला होता है। क्यों? क्योंकि पोरफेरिन के साथ कॉपर संयुक्त हो जाता है और इसी कारण
अब जो हीमोसाइनिन का निर्माण होगा तो नीला होगा। तो हम समझे कि जो ब्लड का कलर है वो रेड क्यों दिखाई देता है, और जो विशेष प्रकार के जो केकड़े पाए जाते हैं उन केकड़ों का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, और क्लोरोफिल किस तरीके से बनता है। तो चर्चा की कि जो पोरफेरिन है, पोरफेरिन के साथ जब मैग्नीशियम संयुक्त हो जाता है तो क्लोरोफिल का निर्माण हो जाता है, यानी कलर हरा दिखाई देता है। जब क्लोरोफिल के जो सॉरी जब पोरफेरिन के साथ कॉपर संयुक्त हो जाता है, जो कि विशेष प्रकार के केकड़ों में पाया जाता है जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं, तो उनका ब्लड नीला हो जाता है। और ब्लड जो है मनुष्य का, उसमें पोरफेरिन प्लस आयरन के संयुक्त होने से। नेक्स्ट देखते हैं हीमोग्लोबिन के ई कण में, जो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का काम क्या है। शरीर में बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ये जो बॉडी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सर्कुलेट करती है, जिससे जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं, सामान्य कोशिकाएं हैं, वो उनका यूज करते हुए अपनी ऊर्जा प्रयोग प्राप्त कर लेती हैं। तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के एक अणु में, हीमोग्लोबिन ये एक हीमोग्लोबिन हुआ, तो हीमोग्लोबिन का एक अणु है, ये हीमोग्लोबिन का एक अणु। तो हीमोग्लोबिन के एक अणु में आयरन के चार परमाणु संयुक्त होते हैं, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये, एक ये। तो आयरन के हीमोग्लोबिन के एक अणु में आयरन के चार परमाणु संयुक्त होते हैं, और इस प्रकार आयरन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ संयुक्त हो जाता है। आयरन के चार परमाणु हुए, अब ऑक्सीजन का प्रत्येक एक परमाणु ओ टू ओ टू ओ टू ओ टू, अब ऑक्सीजन का प्रत्येक एक परमाणु आयरन की एक परमाणु से संयुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हीमोग्लोबिन का प्रत्येक अणु ये है हीमोग्लोबिन। इस प्रकार हीमोग्लोबिन का प्रत्येक एक अणु O2 के चार पर जो अणु हैं उनका वहन कर सकता है। O2 के साथ जो हीमोग्लोबिन है वो संयुक्त हो जाती है जब, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है, यानी ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन संयुक्त होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। और जो शरीर की जो सामान्य कोशिकाएं हैं इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का शरीर की जो बाकी सामान्य कोशिकाएं हैं वो इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का प्रयोग करते हुए ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो जो ये क्रिया है एक रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय एक क्रिया है। रिवर्सिबल क्या है, यानी जो दोनों तरफ हो सकती है। इसलिए यानी O2 के साथ संयुक्त होकर हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है, और शरीर की जो सामान्य कोशिकाएं हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का से ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार यह एक रिवर्सिबल क्रिया है। तो कोशिकाओं में
उत्पन्न होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी जो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन लाई गई है समान कोशिकाओं में, अब जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है समान कोशिकाओं में, यानी जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उन उपापचयी क्रियाओं में जो समान कोशिकाएं हैं उसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और ऐसे में सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तब ऐसे में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा, जब समान कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो जाएगी, बनेगी, तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में पाए जाने वाले जल के अणुओं में और आरबीसी में पाए जाने वाले जल के अणुओं में, के साथ अभिक्रिया कर लेती है, और इस अभिक्रिया में कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम्स हैं, यह शरीर में सबसे तीव्र गति पर कार्य करने वाला एंजाइम्स है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम्स का उपयोग होता है, इस एंजाइम्स की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं के मध्य एक क्या हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है, जिससे बाइकार्बोनेट आयन का निर्माण हो जाता है, जिससे कार्बोनेट आयन का निर्माण हो जाता है। और इस बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों में पहुंच जाती है। तो हम देखें कि हीमोग्लोबिन जो है वो किस तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, यानी जो शरीर की समान कोशिकाएं हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऊर्जा प्राप्त करते हुए एक रिवर्सिबल अभिक्रिया करती है, और कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, यानी इस बॉडी में जो बॉडी की जो समान शरीर कोशिकाएं हैं उनको एनर्जी लेने के लिए O2 की आवश्यकता होती है। जब O2 इनको मिल जाएगी तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगी जो समान कोशिकाएं हैं वो उपापचयी क्रियाएं करती, जब उपापचयी क्रियाएं करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के द्वारा यानी ब्लड के थ्रू फेफड़ों तक कैसे लाया जाता है। तो जब कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है तो जो प्लाज्मा क्या है, ब्लड में पाया जाता है, ब्लड की सारी जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं प्लेटलेट्स वगैरह इनको निकाल दिया जाए, जितना शेष पदार्थ बचेगा वही प्लाज्मा है। तो जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा में जितना जल होता है, जल के अणु और जो आरबीसी हैं, आरबीसी में जो जल के अणु हैं के साथ एक अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया में एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम्स है वो योगदान करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये शरीर में सबसे तीव्र गति पर कार्य करने वाला एंजाइम्स है। तो इस एंजाइम्स की उपस्थिति में CO2 एवं H2O के अणुओं के मध्य एक अभिक्रिया हो जाती है, जिसे क्या बन जाता है, बाइकार्बोनेट आयन बन जाता है, और जो अब फेफड़े तक यानी ब्लड का प्योरिफिकेशन लंग्स में होता है, तो अब लंग्स में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगी ब्लड के साथ तो यह बाइकार्बोनेट के रूप में पहुंचती है। तो आई होप डेट यू
अंडरस्टैंड। किसी समान स्वस्थ व्यक्ति, एक नॉर्मल हेल्दी जो पर्सन है, उस पर्सन के जो ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन यानी 100 मिलीलीटर मात्रा में 14 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। एक समान स्वास्थ्य व्यक्ति के 100 मिलीलीटर में 14 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। आरबीसी की जो औसत आयु है 120 दिन होती है। तो वयस्कों में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, अस्थमज्जा। अस्थमज्जा क्या है? जो हड्डी होती है, ये क्या है? एक हड्डी है। तो हड्डी का जो एक बीच में पार्ट्स होता है खोखला वाला, एक पैर की हड्डी, तो पैर की हड्डी के जो बीच वाला पार्ट्स है बीच वाला पार्ट से जो खोखला होता है, इसे क्या कहते हैं? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। तो वयस्कों में जो आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। जब हम चर्चा किए थे कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अवस्था में यानी भ्रूणावस्था में आरबीसी का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो लीवर में होता है यानी यकृत। आरबीसी के निर्माण के लिए निम्न पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जैसे जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए आयरन आवश्यक होता है यानी हीमोग्लोबिन, हीम धन ग्लोबिन। हीम क्या है? हीम पोरफायरिन के मिलने से बनता है और ग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है। तो हीम के साथ जब आयरन यानी पोरफेरिन प्लस आयरन जब संयुक्त होता है तब हीमोग्लोबिन का बनता है। तो हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए आयरन आवश्यक होता है और आयरन के ऑब्जर्वेशन यानी अवशोषण के लिए कॉपर आवश्यक होता है। तो आरबीसी की जो मिच्योर है, मिच्योरिटी यानी परिपक्वन के लिए विटामिन B12 फॉलिक एसिड आवश्यक होता है। विटामिन B12 इसमें क्या होता है कि जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं, विटामिन B12 में साइनोकोबालामिन कहते हैं, एक संरचनात्मक रूप से उपस्थित होता है। इस प्रकार आरबीसी के उत्पादन के लिए आयरन, कॉपर और कोबाल्ट तत्व के रूप में आवश्यक हो जाते हैं। आरबीसी के उत्पादन के लिए आयरन प्लस कॉपर और कोबाल्ट आवश्यक हो जाते हैं। जैसे जैसे आरबीसी परिपक्व यानी मिच्योर होती जाती है, वैसे उसे क्या होती जाती है? ये भंगुर भी होती जाती है। और जब इनके औसत आयु पूर्ण हो जाती है तो अनेक जो आरबीसीज हैं इनका प्योरिफिकेशन होता है यानी स्प्लीन जो तिलिप कहते हैं, और स्प्लीन में एवं लीवर की जो कोशिकाओं में क्या होती हैं, फंस जाती हैं, जिसे क्या हो जाती है? विखंडित हो जाती है। क्या कहे कि जब आरबीसी जैसे जैसे ये मेच्योर जब होती जाती हैं, वैसे वैसे ही धीरे धीरे क्या होती जाती है?
ये भंगुर होती जाती हैं, यानी इनकी औसत आयु 120 दिन होती है। तो ये 120 दिन पूर्ण करते करते ये धीरे धीरे क्या होती हैं, भंगुर होती जाती हैं। और जब ये भंगुरता की स्थिति में होती हैं उस समय ये स्प्लीम अथवा जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या करती हैं, ये फंस जाती हैं। और फंसने के पश्चात ये क्या होती हैं, विखंडित हो जाती हैं। आरबीसी क्या हो जाती हैं, विखंडित यानी टूट जाती हैं। दो पार्ट हो गए। तो भच्छी कोशिकाएं जो हैं, हम आगे चर्चा करेंगे WBCs में कि भच्छी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उनका क्या काम। तो जो भच्छी कोशिकाएं होती हैं, इन टूटी हुई आरबीसी के जो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट होता है, यानी हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन वाला भाग होता है, हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन वाला भाग है, ये क्या कर लेती, भक्षण कर लेती। भच्छी कोशिकाएं टूटी हुई आरबीसी के हीमोग्लोबिन वाले जो ग्लोबिन वाला भाग है उसका भक्षण कर लेती है, तथा हीम वाले भाग से आयरन को ये पुनर्चक्रण के लिए छोड़ देती है। जो क्या है, हीम प्लस ग्लोबिन है, तो ग्लोबिन वाला जो पार्ट है ये क्या है, एक प्रोटीन है। भच्छी कोशिकाएं इसका क्या कर लेंगी, इसको खा जाएंगी। और हीम में क्या है, हीम का निर्माण पोरफेरिन प्लस आयरन के मिलने से होता है, तो यही पार्ट्स इम्पोर्टेंट होता है। तो इस आयरन को पुनर्चक्रण के लिए छोड़ देती है। पोरफेरिन जो होता है, पोरफेरिन एक कार्बनिक है, कार्बनिक यौगिक है, तो इसको जो लीवर है क्या करेगा कि इसको बिलिरुबिन में बदल देता है। जो जिसे प्लीहा वगैरह कहते हैं, तो ये जो लीवर है इसे क्या करेगा कि बिलिरुबिन में बदल देता है। जो पीले रंग का एक विषाक्त पदार्थ है, बिलिरुबिन क्या है, एक पीले रंग का पदार्थ है। जब पीलिया वगैरह हो जाता है तो शरीर संपूर्ण पीला दिखाई देने लगता है, ये बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है, यही बिलिरुबिन होता है। तो बिलिरुबिन में बदल देती है, ये एक पीले रंग का विषाक्त पदार्थ होता है। लीवर इसे क्या करेगा, बाइल के रूप में मिला देता है। लीवर क्या करेगा, इसमें पित्त अथवा बाइल को मिला देता है, जिसे अब भोजन पाचन की क्रिया द्वारा शरीर के बाहर से निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके की जो ये आरबीसी का जीवन चक्र हुआ, और किस तरीके से ऑक्सीजन शरीर में जो समान कोशिकाएं हैं उनको प्रोवाइड कराता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके की इनकी कमी से रोग हो जाते हैं। तो उसमें नंबर वन हम देखते हैं जॉइंडिस। किसी भी कारण से रक्त में जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, बिलिरुबिन क्या है, हम अभी चर्चा की है कि एक पीले रंग का पदार्थ है, इसका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। जब हीमोग्लोबिन यानी जो आरबीसी की जब डेथ हो जाती है, तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसको भच्छी कोशिकाएं मारकर खा जाती हैं। और हीम वाले पार्ट में यानी हीम का निर्माण पोरफेरिन प्लस आयरन के संयुक्त होने से होता है। इस पोरफेरिन प्लस आयरन में जो आयरन वाला पार्ट है, इन्हें पुनर्चक्रण के लिए छोड़ दिया जाता है, बाकी पोरफेरिन वाला जो पार्ट्स है इसमें जो लीवर है, लीवर क्या करता है, लीवर बिलिरुबिन में बदल देता है। और तो ये जो पदार्थ हैं, जब इस पदार्थ की शरीर में अधिकता हो जाती है, मात्रा बढ़ गई, ऐसे में शरीर सारा शरीर क्या हो जाता है, पीला दिखाई देने लगता है। यानी जो नाखून है,
पीली दिखाई देने लगती, आंखें पीली दिखाई देने लगती हैं, यूरिन का कलर, यूरिनेशन जब हम करते हैं तब यूरिन का जो रंग है वो भी पीला हो जाता है। जब पसीने आ जाता है शरीर पे, पसीने आ गया तो पसीने के कारण जब कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये अनेक संभव कारण पीलिया के हैं। लीवर के संक्रमण के कारण, यानी कभी कभी क्या होता है कि लीवर जो होता है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो लीवर के इन्फेक्शन के कारण हेपेटाइटिस वगैरह हो जाता है, या फिर जो पित्ताशय है पित्ताशय में पथरी के कारण भी हो सकता है। मलेरिया की दवा से जॉइंटिस भी होता है। मलेरिया का जो परजीवी है, मलेरिया का परजीवी क्या है, प्लाज्मोडियम है। तो मलेरिया के परजीवी आरबीसी के विखंडन के लिए उत्तरदायी होता है। जब आरबीसी का विखंडन होगा, आरबीसी का जब विखंडन होगा तो क्या होगा, आरबीसी के दो पार्ट्स, जो एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्लस पोरफेरिन, तो जो ग्लोबिन वाला है वो तो बच्ची कोशिकाओं द्वारा मार के समाप्त कर दिया जाए, लेकिन जो पोरफेरिन्स है उसमें जो बिलोबिन पाया जाता है वो बिलोबिन की शरीर में मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो बिलोबिन की मात्रा के बढ़ने के कारण ही क्या होता है, ये बिलोबिन एक पीले कलर का पदार्थ है जिसके कारण शरीर पीला दिखाई देने लगता है, ब्लड की कमी होने हो जाती है, ऐसे में इसकी मात्रा बढ़ी, पीलिया के लक्षण उजागर हो गए। तो जो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया का जो परजीवी है कौन, प्लाज्मोडियम, आरबीसी के विखंडन के लिए उत्तरदायी होता है। आरबीसी के जब विखंडन हो जाता है तो बड़ी मात्रा में बिलोबिन का निर्माण होता है। अभी हम चर्चा किए कि बिलोबिन का निर्माण क्यों होता है, आरबीसी जितनी ज़्यादा तादाद में क्या होगा कि जब विखंडित होंगी उतनी ही तादाद में बिलोबिन का निर्माण होगा, यानी पोरफेरिन वाले पार्ट्स में जो आयरन है पुनर्चक्रण के लिए छोड़ दिया जाएगा, बाकी भाग है उससे उसको क्या किया जाए, बिलोबिन में बदल दिया जाएगा। तो बिलोबिन का निर्माण बड़ी मात्रा में होगा जिससे ज्वाइंटिंग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जो नवजात बच्चे होते हैं उसमें जो ज्वाइंटिस है, पीलिया है के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में रखने पर अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाववश शिशुओं में ज्वाइंटिस के लक्षण स्वयं समाप्त हो जाए। यदि जो बच्चा है, नवजात बच्चा, अगर उसको ज्वाइंटिस हो जाए तो ऐसे में यदि हम उसको सूर्य के प्रकाश में रखें तो सूर्य के प्रकाश से में जो अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं उसके ऊपर जब पड़ेंगी तो ऐसे में जो बच्चे के ज्वाइंटिस के लक्षण उत्पन्न हुए हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ज्वाइंटिस कैसे होता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थैलेसीमिया, व्हाट इज थैलेसीमिया। यह एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं, जो पीढ़ी दर, अनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर ट्रांसफर होते रहते हैं, जैसे पेरेंट्स से यानी दादा से उनके संतान में आया, फिर उनकी संतान से जो हम लोग हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी से ऐसे ही ट्रांसफर होते रहते, इन्हें जेनेटिक्स लक्षण कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं। तो थैलेसीमिया जिसे कुलीस एनीमिया के नाम से जानते हैं, ये क्या है, ये एक अनुवांशिक रोग है, जेनेटिकली डिजीज है। तो इस रोग में आरबीसी का आकार एवं जो उसकी आकृति होती है अनियमित हो जाती है। हम चर्चा किए कि जो आरबीसी है उसका आकार कैसे होता है, बाइकॉनकेव होता है, लेकिन
जो थैलेसीमिया है एक अनुवांशिक रोग है, जब पेरेंट्स से उसकी संतान में आया, ट्रांसफर हुआ, तो ऐसे में जो उस संतान की जो उसकी संतान है उसमें उसके ब्लड में जो आरबीसी पाई जाती है, उस आरबीसी का जो आकार है वो अनियमित हो जाता है। इनमें जब आकार आरबीसी का अनियमित हो जाएगा, ऐसे में हीमोग्लोबिन की मात्रा घटती चली जाएगी। हीमोग्लोबिन क्या है? अभी चर्चा किए, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है या ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब आरबीसी का आकृत हुआ, उसका आकार अनियमित हो जाता है, तो आकार अनियमित होने के कारण क्या होगा कि अब हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाएगी। पहले क्या था कि ये मान लो एक आरबीसी थी, ये अधिक मात्रा में इसमें हीमोग्लोबिन आता, लेकिन अब ऐसी हो गई तो इससे अब कम आएगा। तो इससे क्या होगा कि अनियमित आकार व आकृति के कारण उसकी मात्रा घटती हुई चली जाएगी, और जिससे उसका जब हीमोग्लोबिन की मात्रा घटेगी तो जीवन काल भी कम होता चला जाएगा, और शरीर अब क्या होगा कि धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। ऐसे में जो व्यक्ति है, पेशेंट है, उसको बार बार रक्त चढ़ाए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। व्यक्तियों को शरीर में आयरन की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है, आयरन की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे स्प्लीन एवं लीवर में सूजन आ जाती है। स्प्लीन जो है, स्प्लीन स्प्लीन का काम क्या है? स्प्लीन जो है ये एक तरीके से जो शरीर है इसको प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी जो ब्लड जो एंटीबॉडी जो रक्त कणिकाएं हैं इनका जो प्योरिफिकेशन है ये कौन करता है? तो स्प्लीन जिम्मेदार होता है। तो जो स्प्लीन यानी जिसे तिल्ली कहते हैं, तो जब बार बार आयरन की मात्रा जब बढ़ती हुई चली जाती है, जिससे तिल्ली या लीवर में सूजन हो जाती है, तथा कभी कभी क्या होता है जटिलताओं के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी का सेवन क्यों? क्योंकि आयरन की मात्रा को कम करने के लिए विटामिन सी जिम्मेदार होता है, इसलिए थैलेसीमिया से ग्रसित व्यक्ति को विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। तो ये हुआ थैलेसीमिया। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया, दाब कोशिका अरक्तता, ये भी एक अनुवांशिक रोग है। अभी हम चर्चा किए अनुवांशिक रोग क्या है, ऐसे रोग जिसमें विभिन्न तरीके के सॉरी ऐसे रोग जो जेनेटिकली अनुवांशिक रूप से ट्रांसफर होते रहते हैं। इस रोग में आरबीसी क्या होता है, हाशियाकार की आकार की हो जाती है। आरबीसी का जो आकार है बाई कॉन्क्लेव होने के नाते के कारण अब इनका आकार कैसा हो जाता है, ये हंसिया का आकार है। तो इनका आकार हंसिए के आकार का हो जाता है, और आरबीसी में पाई जाने वाली जो हीमोग्लोबिन है अल्फा एवं बीटा नामक दो प्रोटीने श्रृंखलाएं होती हैं, परंतु सिकल सेल एनेमिया के स्थिति में यानी सिकल सेल एनेमिया जब उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में बीटा श्रृंखला के छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन नामक एक अमीनो एसिड पर स्थापित हो जाती है, और इस कारण आरबीसी की जो ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता है, ऑक्सीजन की जो परिवहन क्षमता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तब ऐसे व्यक्तियों को बार बार रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। सिकल सेल एनीमिया की स्थिति में
प्रभावित व्यक्ति मलेरिया के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, यानी अगर कोई व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित है, सॉरी अगर कोई व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, दाब कोशिका रक्तता से, तब ऐसे व्यक्ति को मलेरिया नहीं होगा। तो ये हुआ हमारा आज का डिस्कशन। आज हम यह देखने का प्रयास किए कि आरबीसी क्या होता है, आरबीसी का कार्य क्या है, वह आरबीसी से जो उसकी कमी से या अधिकता के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वो कौन कौन से रोग, सिकल सेल एनीमिया, जॉइंटिस व थैलेसीमिया। तो ये टॉपिक हम जानने का प्रयास किए इस लेक्चर में। तो यदि हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।